7 दिसंबर 1941 संडे सुबह 8:18 अचानक जापानी एयरफोर्स द्वारा पर्ल हार्बर नाम के अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला होता है, जिसमें 178 जापानी फाइटर प्लेन्स हजारों बम बरसाते हैं। जापान ने अमेरिका को सोचने तक का मौका नहीं दिया कि हमला कहां से हो रहा है। जापानी फाइटर प्लेन्स ने अमेरिका के कई बेड़े तबाह कर दिए और आम पब्लिक के ऊपर भी बम बरसाए, जिसमें अमेरिका के सैकड़ों शिप और प्लेन तबाह हो गए और लगभग 2000 तक अमेरिकन मिलिट्री के जवान मारे गए, जिसमें 68 के करीब आम लोग थे। इसी चीज का गुस्सा अमेरिकन्स ने जापान और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराकर निकाला, जिसमें लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो गई थी।